तो फ्रेंड्स जो मेनोज इफेक्ट आप लोगों को पता होगा प्रेजेंट टाइम हमारे गूगल प्ले स्टोर फिर एंड्राइड सिस्टम व्यू एंड गूगल क्रोम ब्राउजर का ऐप अपडेट नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो के थ्रू लाइफ प्रूफ के साथ दिखाया था भाई आपने फोन में ये दोनों के दोनों ऐप्स कैसे अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको टू डेज एगो अपडेटेड फो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये ट्रिक कुछ फोन में वर्क किया एंड कुछ बंदे अपने फोन में ये अपडेट फिर भी डाउनलोड नहीं कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप नेक्स्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं अपने फोन में जहाँ पे आपने फोन में ये अपडेट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने फोन की फिटिंग में आना होगा, फिटिंग में आने के बाद ऐप मैनेजमेंट में चले आइए एंड यहाँ पर ऐप लिस्ट में चले एंड उसके बाद यहाँ पर शो सिस्टम ऐप पे टैप कर दीजिए। यहाँ पर आपको सर्च करना होगा एंड्राइड सिस्टम रिव्यू का ऐप, यहाँ पर स्टोरेज में आपको आना, स्टोरेज में आने के बाद क्लियर कैसे कर दीजिए एंड यहाँ पे हो जाइए बैक। बैक होने के बाद यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर, मतलब प्ले स्टोर मैंने सर्च किया एंड यहाँ पर हमारे फोन में प्ले सर्विस शो कर रहा है एंड यहाँ पर आपको प्ले स्टोर शो कर दिया। यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर में आने के बाद आप यहाँ पर क्लियर कैसे कर दीजिए एंड यहाँ पर आपको बैक हो जाइए। बैक हो जाने के बाद भी अजी यहाँ पर हमारा फोन में कौन सा ऐप अपडेट नहीं हो रहा था, गूगल क्रोम था ना, गूगल क्रोम भी यहाँ पे सर्च कर लीजिए। गूगल क्रोम पे सर्च करने के बाद यहाँ पे स्टोरेज में चले जाइए एंड यहाँ पर आपको याद रहे यहाँ पर इसका फिर कैसे ही क्लियर करना है, ना कि इसका डाटा वगैरह आपको क्लियर करना है। यहाँ पे आपको हो जाना है बैक। बैक होने के बाद आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ डायरेक्ट बैक हो गया था एंड यहाँ पे हम आ जाते हैं इसमें, फिर यहाँ पर क्लियर कैसे कर देते हैं। कैसे क्लियर करने के बाद यहाँ पे हम हो जाते हैं बैक। बैक होने के बाद हम फिर से जाते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर में। मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट बैक करके दिखाया था, फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे फिर से इसका डाटा करना होगा क्लियर, मतलब स्टोरेज फिर से करना होगा क्लियर एंड यहाँ पे हमको हटा देना है इसको रिफेंट ऐप पे। रिफेंट ऐप पे हटाने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ एंड आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं अपने फोन में, थोड़ा सा लोड लेगा यहाँ पे, फिर लोडिंग लेगा एंड यहाँ पे आप चले अपने फोन में एंड यहाँ पर आपको एक करना होगा काम। काम क्या करना होगा भाई, आपके फोन में जितने भी ऐप अवेलेबल हैं अपडेट के लिए आपको सारे के सारे ऐप्स को अपडेट कर लेना होगा। यहाँ पर सबके सब ऐप आप अपडेट कर लेंगे, बचेगा गूगल क्रोम एंड एंड्राइड सिस्टम रिव्यू एंड जो भी अपडेट नहीं हो रहा है। तो आपको एक एक करके अपडेट नहीं करना है, आपको दो तीन जो ऐप बचते हैं जो भी अपडेट नहीं हो रहा है यहाँ पर आपको कर देना होगा अपडेट ऑल पे टैप एंड डायरेक्ट आपका पूरा का पूरा ऐप, मतलब ये तीनों ऐप आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोड भी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपडेट करके रखा है क्योंकि मैंने आपको पिछले दिनों में, मतलब पिछले दो दिन पहले मैंने आपको वीडियो दिया था वहां पर लाइफ प्रूफ के फायदा दिखा था, बट फिर भी वो ट्रिक कुछ बंदों के फोन में वर्क नहीं कर रहा है। मैंने मतलब फिर से काफी ज्यादा कमेंट देखने को मिल रहे थे, मैंने सोचा यार ये थोड़ा गलत है, मैं फिर इसके बारे में थोड़ा सा छानबीन की एंड काफी सर्च करने के बाद ये ट्रिक पता चला एंड आप भी अपने फोन में ऐसा कुछ अप्लाई करने के बाद अपने फोन में ये अपडेट जरूर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम फिर एंड्राइड 10 वर्जन के साथ ही देखने को मिले एंड ये प्रॉब्लम आप ओप्पो वीवो रियलमी कुछ भी फोन हो, वन प्लस एंड हॉनर वगैरह जो भी जिसमें एंड्राइड 10 का अपडेट रन कर रहा है अधिकांशतः, मतलब मैक्सिमम फोन एंड्राइड 10 में जो अपडेटेड डिवाइस हैं उन्हीं फोन में ये प्रॉब्लम देखने को मिले। तो आप जरूर से इस सेटिंग को अप्लाई करिए, मतलब इस प्रोसेस को अप्लाई करिए, आपके फोन में पक्का ये अपडेट हो जाए। अगर आपको इस अपडेट के थ्रू, मतलब इस ट्रिक के थ्रू अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था भाई जो भी अपडेट आते हैं जैसे कि हमारे गूगल प्ले स्टोर या फिर यहाँ पर एंड्राइड सिस्टम वेव्यू का ऐप आया था तो यहाँ पर आपको सिर्फ 4 से 5 MB शो करता हुआ दिखेगा एंड यहाँ पर आपको हम दिखा दें भाई इसका जो वर्जन रहता है, जो भी अपडेट आता है लगभग 28 से 30 MB के साथ आता है एंड यहाँ पर आपको राउंड अप करने लगता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड के बाद आप वहाँ से हो जाते हो बैक। तो वहाँ से अपडेट नहीं हो पाता तो आपको थोड़ा सा करना होगा वेट, मतलब वो थोड़ा सा लंबा लंबी कराता है तो आपको 2-4 मिनट वेट करने के बाद वो ऑटोमेटिक फिर राउंड अप करते करते आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इसके रिलेटेड आपको कोई सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कोई क्वेश्चन बचते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जहाँ पर आपको आपका रिप्लाई विथ सॉल्यूशन के साथ आपके घर तक पहुँचा दिया जाएगा। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर कर देना जिससे इन्फॉर्मेशन और भी यूजर के पास पहुँच सके क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे यूजर को देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बहुत सारा थैंक्स यार वीडियो को वॉच करने के लिए क्योंकि आप लोग यार इतना सपोर्ट करते हो, सो दैट्स गुड।